विशेष रूप में जन जन तक पहुंचा है। दुनिया जब मना रही है जन्म दिवस को, तो हम समझ सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग पर चले, अहिंसा के मार्ग पर चले, हमारी भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के एक संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार हालात देश के अंदर हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमें भी गांधी के मार्ग पर चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं, आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है, हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पर हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराईपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं, तो चतुराई से भाषण देना एक बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर आप देश में शांति रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे हम लोग, हिंसा का माहौल नहीं रहेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे गांधी वाला, तब जाकर ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा और मजबूत बनेगा, मेरा मानना है। उस रास्ते में चलने के लिए प्रयास है छोटे छोटे। आडानी मार्च की जो प्रोग्राम किया गया शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के माध्यम से, मैं समझता हूँ ये भी संदेश देगा पूरे प्रदेशवासियों को कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शांति मार्च निकाला गया, विश्व के अंदर शांति कायम हो, विश्व के अंदर। आज जिस प्रकार यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ में जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। शांति का मार्ग ही मैं समझता हूँ देश और दुनिया के लिए हित के अंदर है। युद्ध के अंदर कितने लोग मारे जा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मार्च निकलते हैं तो उससे जनभावना में एक भावना पैदा होती है जो गांधी ने दिखाई थी। आज भी युवा पीढ़ी को जरूरी है उनको बताएं हम लोग किस प्रकार से गांधी का मार्ग था, जिस मार्ग पे आप सबको चलने का आवश्यकता देश हित के अंदर है, ये मेरा निवेदन। प्रधानमंत्री जिस प्रकार बोलते हैं, चतुराई पूर्ण बोलते हैं, चतुराई से भाषण देते हैं, वो एक पक्ष हो सकता है उनका। अब वो विपक्ष को आरोप लगाते हैं, वो एजेंसियों को जो है बदनाम कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।